और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार को अपनी सेना से मुलाकात की है, जानकारी बिल्कुल। और सेना का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद बॉर्डर पर पहुंचे और सैनिकों से तैयार रहने को कहा। ये तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना से मुलाकात की, शनिवार की ये तस्वीरें। तो सेना से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की गई, वो खुद बॉर्डर पर पहुंचे और सैनिकों को कहा कि तैयार रहिए। तो सेना का हौसला बढ़ाने बॉर्डर पर जा पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। ये विजुअल्स आपके सामने उस समय के जब सैनिकों के साथ मुलाकात करते इसराइल के पीएम नजर आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको सुनते हुए उनसे बात करते नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह मांग की है कि हमास के हमदर्दों पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे देशों या फिर संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कहना है इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। बड़ी खबर उनकी मांग कि हमास के हमदर्दों पर कठिन कार्रवाई हो और कहा कि ऐसे देशों पर या ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगने ही चाहिए। नेतन्याहू लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और इसके पहले उन्होंने कड़ाई के साथ ये बयान भी दिया था कि अब छोड़ेंगे नहीं और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दुनिया याद रखेगी, अगले 50 साल तक इसे याद रखा जाएगा। और अब देखिए एक और मांग यहां पर पीएम नेतन्याहू ने की है, अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास के हमदर्दों पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि ऐसे देशों पर या फिर ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगने चाहिए जो कि इस वक्त हमास के हमदर्द बन रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास के हमदर्दों पर प्रतिबंध लगे तुरंत प्रभाव के साथ। जो भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन सभी संगठनों पर तुरंत प्रभाव के साथ, उन सभी हमदर्दों पर प्रतिबंध लगने चाहिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ी बात उन्होंने कर दी है और उन्होंने बड़ी मांग उठाई है। तो इस वक्त कई ऐसे देश हैं और संगठन हैं जो कि इस वक्त हमास का साथ दे रहे हैं और कई ऐसे देश हैं जो कि इसराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमास के जो हमदर्द बन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी बात कहते हुए नेतन्याहू नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन या फिर ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। Z News.